बिहू के फ्राइडे इवनिंग एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज निशांत मेरे साथ बने हुए हैं और आज मार्केट बंद होने पर यानी वीकेंड था, फ्राइडे था, हफ्ते का आखिरी दिन था, उसमें मार्केट में क्या हलचल मचा है उस पूरी डिटेल के साथ निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, आज आखिरी दिन यानी फ्राइडे को आखिर में हफ्ते के सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों लाल निशान में बंद हुए हैं। सेंसेक्स आपका करीब 764 अंकों की गिरावट के साथ 57,696, निफ्टी 17,196 बंद हुआ करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ। 17,500 का स्तर जो है वो नहीं छू पाया, कोशिश बहुत की, एक्शन था लेकिन छू नहीं पाया। बैंक निफ्टी 36,197 भी करीब 311 गिरावट के साथ। क्या कहेंगे निशांत आज ओवरऑल लुक को देखते हुए, 17,500 का स्तर नहीं छू पाया निफ्टी, इसका रीजन, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या आगे की स्टेबिलिटी होगी? मैंने बताया था कि 17,536 का एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। इस जब मार्केट में गिरावट आई थी उसी दिन ये इससे नीचे मार्केट खुला था और इसी के आसपास मार्केट एक गैप डाउन था, वो गैप जो था वो आज मार्केट में फिल कर दिया 515 के आसपास जाकर, तो ऑलमोस्ट सारे गैप फिल हो गए। और मैंने मॉर्निंग में भी बोला था कि अगर ये तेजी सस्टेन तभी कर सकती है जब ये क्लोजिंग 416 के ऊपर दे दे, 500 रुपए के आसपास जाके क्लोजिंग कर दे और आज के मॉर्निंग के जो हाई थे वो कट जाए जो मार्केट खुलते ही खुलते जो लगे थे। लेकिन जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि ये तेजी सस्टेनेबल नहीं है और कोनी लेवल से बिकवाली की भी सलाह दी थी मैंने कि 400-500 के स्तर मिलने हैं, यहाँ से बिकवाली कर लो, 200% आपको 100% मिलने चाहिए, तो ऑलमोस्ट इंट्राडे में 200% मिला और मे बी ये मंदी मंडे तक एक्सटेंड हो सकती है। 16,800-16,900 तक के लेवल भी आपको मंडे के दिन देखने को मिल जाए, ये पोजिशनली मंदी के ही आसान लग रहे हैं जी। जो मार्केट का एक गैप था वो फिल हो चुका है, अब तेजी हम उसी दिन करेंगे जब ये मार्केट 17,536 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। जब तक ये क्लोजिंग नहीं होगी तब तक तेजी करना बिल्कुल बेकार रहेगा मार्केट के लिए इन लेवलों पर। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो काफी ज्यादा फंसा हुआ है, ट्रेड करता रहा ऑलमोस्ट जहां पर हमने मॉर्निंग में बताया था कि इन लेवल के आसपास बिकवाली करके चला जाए 36,900-36,800 जब ये चल रहा था तो वहां से जबरदस्त बिकवाली होती थी और आज के इस सेशन में आपने एक निफ्टी में 37,000 के स्तर जो छुए 36,900-36,300 के आसपास ये बंद हुआ ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास ही, और मैंने टारगेट जो दिए थे 35,900-800 तक के लिए दिए थे पोजिशनली, तो हो सकता है मंडे के दिन ये टारगेट आपको देखने को मिल जाए। मंडे में ऊंचे स्तरों पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी और जब ये 17,800-900 के आसपास मिले जो रिसेंट के जो लो है अगर उनके आसपास मिलता है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 20-30 पॉइंट का वहीं पर बाई करना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी ट्रेड ना लें। ऊंचे रेजिस्टेंस के आसपास बिकवाली करनी है और सपोर्ट के आसपास ही खरीदना है। बीच में खरीदने से क्या होगा विकास जी, ये जो गैप अप और गैप डाउन का जो सिलसिला चल रहा है, कभी गैप अप दे रहा है मार्केट, कभी गैप डाउन दे रहा है, तो इसमें नुकसान बहुत लंबा हो जाता है 200-200 पॉइंट का और उतना पॉइंट कमाने में बहुत टाइम लगता है 100-200 पॉइंट स्क्रीन पर कमाने में, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने का समय है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इंडेक्स की बात करें तो बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी में संभल कर ट्रेड करें क्योंकि जो गैप अप है उसकी वजह से जो ट्रेडिंग का आइडिया है और जो स्टॉप लॉस और टारगेट है निशांत ने बताया उसको जरूर ध्यान में रखें। सेंसेक्स आज करीब 750 अंक, निफ्टी 200 और बैंक निफ्टी करीब 311 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है, तो ये जो गिरावट है निशांत जो सलाह है उस गिरावट को ध्यान में रखते हुए है। निशांत कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका मैं नाम लूंगा, उन्होंने आज सपोर्ट किया, UPL, BPCL, IOC, ONGC, आपका एंडरसन बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, ये सब हरे निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो सपोर्ट नहीं कर पाए आज पावर ग्रिड करीब 4% गिरावट के साथ बंद हुआ है। रिलायंस बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला मार्केट को, रिलायंस से दो करीब 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कोटेक आपका 2.25% की गिरावट के साथ, एशियन पेंट 2% की गिरावट के साथ, SDFC में, SDFC लाइफ में 2% की गिरावट रही। आपका अडानी पावर, टाटा पावर, ये भी लाल निशान में बंद हुए। ये तो रहा ओवरऑल स्टॉक्स की बात जिन्होंने बैंक जिन्होंने आज इंडाइसेस को यानी बाजार को सपोर्ट नहीं किया। क्या कहेंगे निशान किसी स्पेसिफिक स्टॉक सेक्टर को लेकर? बिल्कुल विकास जी, मॉर्निंग में मैंने एक कॉल दी थी इन्फोसिस पहल करके जाना चाहिए, 1760 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था
और मैंने टारगेट भी 1748 से लेके 40 तक के टारगेट दिए थे, ऑलमोस्ट मार्केट उन्हीं लो के आसपास बंद हुआ है, 625 के आसपास। तो ये जबरदस्त कॉल रही हमारी मंडल में, और पिक्को मैंने बोली के लिए बोला था कि पिक्को ने भी थोड़ा सा निराश ही किया अगर देखा जाए तो मार्केट, जिस तरीके से एक बिकवाली मार्केट में हावी रही। अब इन लेवलों के आसपास जिनके पास अपना ये होल्ड है इन्फोसिस, वो मंडे के दिन प्रॉफिट अपना बुक कर लें, इनके पास सेल पोजीशन है। और विप्रो मैंने बाई के लिए बोला था 640 के आसपास जब ये मिलता है वहां बाई करना चाहिए, 650 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने बोला था 50 पे थोड़ा 20% बाई करें और 640 से 630 की रेंज में थोड़ा सा करीब जितना फंड लगा रहे हो उसका 80% बाई करें। तो ऑलमोस्ट उसी का रेशियो रहा, जिन्होंने बाई ऊपर स्तर पे किए हैं तो थोड़ा नीचे मिलता है मंडे के दिन, तो दोबारा से विप्रो और थोड़ा बाई कर ले और अपना प्रॉफिट इस नेक्स्ट वीक में आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा अपने कॉल में। और जिस जिन्होंने इन्फोसिस सेल किया है वो मंडे के दिन अपनी पोजिशन एग्जिट कर ले और बाई की पोजिशन इनिशिएट कर ले, यानी कि डुअल जो चल रहे हैं मार्केट में अप डाउन, तो दोनों तरफ से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसी तरीके से ये कॉल दी थी मैंने, ऊपर से सेल करना है नीचे जब मिले दोबारा से बाई कर लेंगे। तो विकास जी आज के लिए कॉल करूंगा तो दो तीन कॉल लेंगे मेरे पास, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये कॉल लूंगा, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं रहेगी, कल ही आपको मुनाफा मिल जाए इनमें। एक तो एक स्टॉक है वी गार्ड, वी गार्ड इंडिया लिमिटेड, ये करीब 200 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और लगभग इन स्तरों से मेरे को लगता है कि 20% तक की चाल आ सकती है आने वाले समय में। वी गार्ड के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और उनकी डिमांड हो सकती है और डिमांड में रहते हैं, अच्छा ब्रांड है और चार्ट पे भी मेरे को लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है यहाँ से बढ़ने का, तो करीब इसमें 300 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करके जाना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से कॉल है, मैं फिर भी दोबारा फिर से बोलूंगा ट्रेडिंग पर्पज से कॉल नहीं। आप सोचो कि मंडे आप मैंने आज बोला और मंडे को ये 300 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है इसमें 2 महीने 3 महीने और 4 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन एक ट्रेडिंग पर्पस नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से कॉल है, धीरे धीरे इसको इन्वेस्ट करें तो आपको कम से कम 300 रुपए तक के टारगेट के लिए कॉल बाई करके जानी चाहिए। और दूसरा स्टॉक रहेगा फ्लिक्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, इसमें भी मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, ये करीब 255 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इसमें भी वही टारगेट रहेंगे सेम 290 से लेकर 300 रुपए तक के, और टारगेट नजरिया टाइम फ्रेम वही 2 से 3 महीने का लगभग रहेगा। ये तो दो कॉलें होंगी विकासी, एक तीसरी कॉल मैं लेना चाहूंगा ऑटो सेक्टर में, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 810 के 819 की रेंज में इसको बाई करना चाहिए और टारगेट लमसम इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखे तो टारगेट मैं 1000 रुपए का दूंगा, और ट्रेडिंग पर्पज से देखे तो नेक्स्ट वीक में इसका टारगेट लगभग मिनिमम से मिनिमम 850 से लेके 860 रुपए तक के टारगेट के लिए इसको एक हफ्ते इस मंथ के लिए बाई करके जाना चाहिए। बिल्कुल निशान की तरफ से इन्वेस्टमेंट पर्पस से तीन कॉल्स बताई होने और जो रेंज बताई उसका जरूर ध्यान रखें, वी गार्ड फिलिप्स कार्बन और M&M ऑटो सेक्टर की ये कॉल्स थी निशान की तरफ से। निशांत सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग हुई है इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी आपने पिक्स बताई है हमारे वॉचेस के लिए वो उसका भी ध्यान रखें और ये जरूर ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट पर्पस की कॉल है, डेली बेसिस की ट्रेडिंग के लिए नहीं है। अगले हफ्ते पर क्या व्यू बनता है निशांत जी, जो ओवरऑल आज का सिनेरियो है और आज जो क्लोजिंग सब हरे निशान लाल निशान में बंद हुए, सेंसेक्स 764 अंकों की गिरावट और निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट, एक छोटा सा व्यू अगले हफ्ते क्या रहेगा आपकी तरफ से हमारे वॉचेस के लिए ओवरऑल मार्केट को देखिए। विकास जी मेरे को लगता है कि मार्केट में गिरावट का माहौल थोड़ा गहरा सकता है इन लेवलों से भी, 17242 के आसपास मार्केट बंद हुआ है, मार्केट में बहुत कोशिश की ऊपर जाने की, 500 तक का इसने हाई भी लगाया आज 515 का, लेकिन लास्ट मोमेंट में बिकवाली देखी गई, कल के सेशन में जबरदस्त तेजी देखी जा रही थी, कल लास्ट मार्केट बंद होते होते भी मार्केट ने बहुत तेजी दिखाई, लेकिन आज के दिन मॉर्निंग में खुलने के बाद ही एक मंदी का रुख जारी रहा, जबरदस्त बिकवाली का माहौल बना रहा, मेरे को लगता है कि ये तेजी अभी थोड़ी सी थमसी गई है और हो सकता है कि ये तेजी के आसपास जाके बड़े वाली तेजी जो बनेगी, यानी कि जनवरी के सेकंड वीक से तेजी, दिसंबर थोड़ा सा ढीला करके, हो सकता है मैं इस मंथ में कुछ लो भी दिख जाए जो इस नवंबर में लगे हैं उससे बड़े लो मिल जाए, हमें 16800 16700 16500 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाए मार्केट में, तो
मेरा नजरिया ये रहेगा कि किसी किस्म में बिकवाली करनी है, 17,500 के आसपास मिले तब बिकवाली करनी है, 17,536 के स्टॉप लॉस से ही बिकवाली करनी है। 536 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट तो वहां से खरीदारी करके जानी है निफ्टी के लिए। जो थोड़ी गिरावट है बैंक निफ्टी में, ये करीब 36,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 36,300, 36,400। यहाँ से मैं 2,000 पॉइंट की गिरावट अगर आती है निफ्टी में तो इसमें भी बैंक निफ्टी में उतनी गिरावट आएगी, लगभग मिनिमम से मिनिमम ये 33,900 तक के लेवल दिखा सकता है मार्केट में दिसंबर। निशान की तरह इंडेक्स और 33,000 की स्टॉप लॉस, 37,200 इसमें बिकवाली करने की सलाह रहेगी। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है 37,000 की तब हमें खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज बिकवाली का माहौल है, बिकवाली में ही बने रहे। निशान ने जो रेंज बताई उसका जरूर ध्यान रखें। निशान की तरह इंडाइसेस और स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, और आपने बताया क्या ओवरव्यू रहेगा कमिंग वीक के लिए आज की ट्रेडिंग को देखते हुए। निशांत कमोडिटी को लेके क्या कहेंगे? सुबह हमने डिस्कस किया था चांदी की चमक थोड़ी सी कम होती पड़ रही है और क्रूड में जो आपकी सलाह थी, उसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ जिंक, मतलब मेटल्स को लेके क्या आपकी सलाह रहेगी हमारे वॉचेस के, स्पेशली जिंक? बिल्कुल विकास जी, गोल्ड की बात करूं तो थोड़ा सा ठंडा सा बढ़ता दिख रहा है, 1772 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड में थोड़ी सी उछाल थी, गोल्ड में ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि भी थोड़ी सी इसमें भी हट जाए इसमें, और गिरावट लगता है इसके मतलब आज इसकी एक्सपायरी है दिसंबर मंथ की, जो फ्यूचर चल रहा था दिसंबर, थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है मार्केट में। 47,600-47,500 के आसपास अगला कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट 47,200 से लेके 300 की रेंज में अगर मिलता है और या उससे नीचे मिलता है तब उस कॉन्ट्रैक्ट को बाई करना चाहिए, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को 47,100 से लेके 200 की रेंज में अभी थोड़ा सा नीचे और मिलता है या फिर मंडे के दिन बाई करना चाहिए। वहीं अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी इसी तरीके ट्रेड कर रहा है, 61,400-61,500 के आसपास थोड़ा सा, तो इन लेवलों के आसपास सिल्वर बिल्कुल। निशांत ये तो रहा कमोडिटी को लेके आपकी राय, और आज इस सेशन के लिए बस इतना ही, मंडे सुबह 10 बजे एक बार फिर हम बैठेंगे और जो आपने ओवरव्यू बताया ओवरऑल आज की ट्रेडिंग को देखते हुए मार्केट का, उसको भी चर्चा करेंगे सुबह 10 बजे मंडे को। और मंडे के लिए और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपकी तरफ से आज 3 कॉल्स थी जो वीगार्ड, फिलिप्स कार्बन और M&M ऑटो सेक्टर ने जो आपकी कॉल पिक थी, तो इस पर भी नजर रखेंगे निशांत। और स्पेशली अपने वॉचर्स को बता दी कि जो पिक है ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है निशांत की, निशांत की तरफ से, तो इस पर जो रेंज बताई है उस पर ध्यान रख के ही ट्रेडिंग करें। और अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो एक बार फिर से हमारे शो को देख के सुन के और उस रेंज पे ही ट्रेड करें जो निशांत ने बताई है। निशांत आज के लिए बस इतना ही, सोमवार सुबह 10 बजे फिर बैठेंगे और ओवरऑल जो भी कमिंग वीक के लिए स्ट्रेटेजी होगी अपने वॉचर्स के लिए मंडे की ओपनिंग के बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।